हेलो फ्रेंड, आई एम बैक टू माय अदर वीडियोस। तो फ्रेंड, आज मैं एक वीडियो पूरी हटके लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मोदी जी ने बोला था कि 5 बजे के बाद आप सब लोग अपनी बालकनी में आके तालियां बजाएं और चिल्लाएं, ठीक है। तो यहाँ के मतलब मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, न्याखन फर्स्ट से। तो यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग है, सब लोग अपनी बिल्डिंग में आके तालियां बजा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, शंख तक बजा रहे हैं और बजा बजा के थालियां फोड़ दी उनने। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोग बजा रहे, कितनी आपको लाउडिंग आवाज, आपको लाउड पीछे आवाज सुनाई दे रहेगी। तो आज की वीडियो मेरा ऐसा कोई एंटरटेनमेंट का कोई वो नहीं है, मैं बस खाली एक इन्फॉर्मेशन दे जाता हूँ कि मोदी जी ने जो हमसे बोला था हम लोग वो कर रहे हैं। और इन दैट केस अगर मोदी जी हमसे आने वाले 10 दिन के लिए भी बोलेंगे कि जनता कर्फ्यू करना है, उसके लिए भी रेडी है, क्योंकि इस टाइम पे हमें अपनी सेफ्टी अपने अपने हैंड पे खुद करनी है सबको। इसलिए सबसे सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और जो भी इंडिया में रहता है, मैं सबसे एक ही अपील करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। अगर आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली आपके साथ सेफ रहेगी। तो इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आप सब समझदार हो, इंटरनेट के थ्रू से माध्यम से आपको सारी खबरें मिल रही है, चैनल से सारी खबरें मिल रही। तो आओ देखते हैं क्या चल रहा है, बाहर का नज़ारा देखिए। सभी अपने घर पे हैं सुबह 7 बजे से लेके, और अभी यहाँ पे 5 बज चुके हैं। 5 बजे यहाँ पे घंटियाँ हैं और तालियाँ और थालियाँ बजाई जा रही है, कोई शंख भी बजा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे तादाद में आवाज़ें आ रही हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी नहीं आ रही, मैं ये बाहर खड़ा हूँ, लाउडली आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है। तो इस सबके वीडियो में ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो इंडिया में फैलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए, उसके रोकथाम के लिए आज हमने पूरा भारत बंद किया था। बंद का मतलब कर्फ्यू लगाया था, जनता कर्फ्यू। उसके अकॉर्डिंग लास्ट ये बताया गया कि 5 बजे के लिए अपने बालकनी में आकर तालियां बजाएंगे। सब तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलाई दे रहा है, और हमारे घर में, घर के अंदर भी तालियां बजाई गई है बहुत सारी। तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता पाऊँगा, आप पूरी आवाज़ सुन सकते हो, देखिए। तो आप देख सकते हो, लोग अपनी बालकनी में, कोई छत में खड़े होकर थालियाँ बजा रहा है, कोई तालियाँ बजा रहा है, कोई घंटियाँ बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है। तो पूरे ज़ोर शोर से योगी जी के बात का पालन किया जा रहा है। देखिए थाली बजाते हुए लोग, कोई कैसे बजा रहा है, कोई कैसे बजा रहा है। बहुत ज़्यादा ही मतलब तादाद में सब लोग अपने घर पर हैं, घर से कोई बाहर। तो आप देख सकते हो, लोग अपनी बालकनी में, कोई छत में खड़े होकर थालियां बजा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई घंटियां बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है। तो पूरे ज़ोर शोर से योगी जी के बात का पालन किया जा रहा है। देखिए थाली बजाते हुए लोग, कोई कैसे बजा रहा है, कोई कैसे बजा रहा है। बहुत ज़्यादा ही मतलब तादाद में सब लोग अपने घर पर हैं, घर से कोई बाहर। और तालियाँ ही बजाई जा रही हैं बहुत ज़ोर शोर से। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तादाद में सब लोग अपने घर में हैं और कोई घर से बाहर नहीं आया है, और सब अपने घर से बाहर आए हैं। 5 बजे बाहर भी नहीं, बालकनी में आके तालियां बजा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि हमने मोदी जी का बात का पालन किया है, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था। तो देखिए कितनी तेज तेज से यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। मेरी यूट्यूब की वीडियो यही होगी इस टाइम पर, और देख सकते तो वो थालियाँ बजाई जा रही हैं, और पूरी बिल्डिंग, पूरी गलियाँ खाली हैं, गलियों में कोई आया नहीं है। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँगा, आप पूरी आवाज़ सुन पा रहे हो, इतनी तेज़, इतनी लाउडली यहाँ थालियाँ बजाई जा रही हैं कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हमें भी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी वीडियो बनाने की, अभी मैं यूट्यूब में एक वीडियो डाल दूँगा। देखिए कोई कैसे बजा रहा है, कोई कैसे बजा रहा है। तो हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है। और सुबह से लेके पूरी शांति थी, सुबह 7 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक पूरी शांति थी। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता, अचानक से यहाँ पे आवाज़ें, घंटे की आवाज़ सुनने लगी, कोई शंख बजा रहा है, कोई इस टाइम पे थालियाँ बजा रहा है। तो बहुत अच्छा मतलब ये ऐसे सुनाई दे रहा है कि मतलब पूरी बातों का मतलब पालन किया जा रहा है मोदी जी की। तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। थालियाँ, लोगों ने अपनी थालियाँ फोड़ दी हैं बजा बजा के, और अभी थालियाँ बजाई जा रहे हैं। और जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मेरे पीछे देख पा रहे हो कितने लोग हैं,
और सारी बिल्डिंग वाले अपने अपने बालकनी में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, कोई क्या बजा रहा है। तो काफ़ी मतलब उनके ये थालियाँ पता नहीं क्यों बजाए जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। हमारे भाई साहब ने तो थाली तो और चुकी हुई है, देखिए सब अपनी बालकनी में खड़े होकर थालियां बजा रहे हैं। देखिए ये तालियां बजा रहे हैं बालकनी में खड़े होकर, सब कोई थाली बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, देख सकते हो। लोगों ने भी थालियां फोड़ दी हैं बजा बजा के। तो फ्रेंड अभी आप आवाज़ सुन लोगे मेरी बीच से, एक 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 थाली हमारे घर के अंदर भी बजाई जा रही है, ऐसे देखिए। कोरोना वायरस की तो इतनी थालियाँ बजाई जा रही हैं, कितना उत्साह और प्रोत्साहन है लोगों के अंदर, देख सकते हो आप। तो ये था रिएक्शन हमारे एरिया का जहाँ मैं रहता हूँ गाजियाबाद इंदिरापुरम न्यायकांड फर्स्ट में। तो आपने देखा होगा कि कैसे लोग तालियां बजा रहे थे, थालियां बजा रहे थे, घंटी तक लोग बजा रहे थे और बाद में ढोल तक बजने लगे हैं। तो मतलब यह है कि देखो खौफ सबका है, सबके अंदर है खौफ कोरोना वायरस का, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा जानलेवा वायरस है। अभी आप करंटली न्यूज पढ़ ही रहोगे कि चाइना में क्या चल रहा है, इटली में क्या चल रहा है, और आपको पता है। तो हमें पहले से सावधान रहना है, हमें घर से बाहर बहुत कम निकलना है और फ्रेंड सर्कल में तो बिल्कुल नहीं घूमना है। मैं सुबह 7 बजे से लेके अभी 6 बजने वाले, 5:30 6 जो भी बज रहा है, मैं अभी तक घर पे, मैं घर से बाहर गया नहीं हूँ। तो फ्रेंड बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं क्योंकि हमें पहले अपनी सेफ्टी खुद देखनी है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, खाली एक रिएक्शन दिखाने का, नई वीडियो बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।